हेलो, मैं हूं करण बजाज। आज से 7 साल पहले मैं एक फ्रेमवर्क सीखा अपने राइटिंग के थ्रू, जिसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करा मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को। मैं इस फ्रेमवर्क को क्रेडिट करता हूं अपनी नॉवेल्स का इंटरनेशनल पब्लिश होने के लिए, अपनी कंपनी वाइट हेड जूनियर को स्टार्ट करने के लिए, एंड मैं वो आज आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप भी ग्रेट थिंग्स अकम्प्लिश कर सके लाइफ में। अपनी तीसरी नॉवल लिखने के लिए मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वही स्टोरी रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने अपनी पहली दो नॉवल्स में लिखी हुई है। फिर मैंने काफ़ी डीप डाइव करा स्टोरी टेलिंग फ्रेमवर्क्स में, और एक बुक को पढ़ के मुझे समझ आया कि हर एक स्टोरी का एक बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, एंड वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये LOCK, यानी कि सिंपल रखने के लिए लॉक। L यानी कि लीड, एक लीड कैरेक्टर होगा स्टोरी में, या फिर एक मल्टीपल लीड कैरेक्टर्स होंगे उनका। सेकेंड एक O यानी कि ऑब्जेक्टिव, कुछ ना कुछ उनका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा जो वो मीट करना चाहते हैं एक स्टोरी के थ्रू। थर्ड सी यानी कि कॉन्फ्लिक्ट, उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए उनके रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रबल्स और कॉन्फ्लिक्ट आएगा। एंड फोर्थ के यानी कि नॉकआउट, एक क्लाइमैक्स, या तो जो लीड कैरेक्टर है वो अपने ऑब्जेक्टिव को मीट कर पाता है या कर पाती है, या फिर वो नहीं मीट कर पाती है या कर पाता है। एंड किसी भी एक स्टोरी में ये एक LOCK का फॉर्मेट होता है। ये काफ़ी माइंड ओपनिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैंने इस हिसाब से प्लान करा। एंड अगर आप यही फ्रेमवर्क यूज़ करें तो, फॉर एग्जांपल एक कॉमन स्टोरी लेते हैं जैसे कि थ्री इडियट्स के अंदर एक लीड कैरेक्टर्स थे जिनका ऑब्जेक्टिव एक्चुअली बहुत बड़ा था। वो चाहते थे कि एक एजुकेशन सिस्टम को चेंज करें। वो उनके रास्ते में बहुत कॉन्फ्लिक्ट आए, चाहे उनके अपने अराउंड उनके स्टूडेंट से या प्रोफेसर से। एंड फाइनली एक नॉकआउट हुआ जहाँ पे वो एक लेवल तक अपना ऑब्जेक्टिव मीट कर पाए। एंड ये भी चलता कि वो स्टोरी में नहीं मीट कर पाते ऑब्जेक्टिव, बट वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी क्योंकि वो ये ऑब्जेक्टिव मीट कर पाए। एक छोटे लेवल पे वो लद्दाख में जाके उन्होंने एक नया एजुकेशन सिस्टम बनाया। तो अगर आप ये देखें, थ्री इडियट्स में भी ये LOCK फॉर्मेट फॉलो हुआ है। बट इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप देखें, स्टोरी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि लीड कैरेक्टर का ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा बड़ा था, और इसलिए उसके रास्ते में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आए। जब ऑब्जेक्टिव बड़ा है तो कॉन्फ्लिक्ट बड़े होंगे, और उससे स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। सरप्राइजिंगली नॉकआउट यानी कि क्लाइमैक्स, अगर कैरेक्टर अपना ऑब्जेक्टिव नहीं भी मीट कर पाए तभी भी स्टोरी हमेशा इंटरेस्टिंग रहती है क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है। एंड ये मैंने देखा कि यही फॉर्मेट आप कोई भी, अगर आप मेजर स्टोरी देखें, चाहे बैटमैन हो या सुपरमैन हो या कोई भी सुपर हीरो मूवी देखें, उसके अंदर भी एग्जैक्टली यही फॉर्मेट होता है। एक लीड कैरेक्टर है जिसका ऑब्जेक्टिव टिपिकली बहुत बड़ा रहता है कि दुनिया को बचाएंगे किसी तरीके से, कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत बड़े रहते हैं, और इसलिए वो स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग रहती है। सरप्राइजिंग पार्ट ये है कि ये फ्रेमवर्क समझने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी हद तक लाइफ एक्चुअली एग्जैक्टली इस फॉर्मेट को रेप्लिकेट करती है। आप इस स्टोरी के लीड हैं। आपका अगर ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, इफ़ इट्स अ वेरी बिग ऑब्जेक्टिव और बहुत सेल्फलेस ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्वियसली रास्ते में कॉन्फ्लिक्ट भी ज़्यादा आएंगे, पर स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। चाहे क्लाइमैक्स नॉकआउट में आप मीट कर पाए या नहीं कर पाए, ये गारंटीड है कि वो लीड कैरेक्टर का इस स्टोरी के थ्रू बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव चूज़ करा है। एंड मैंने ये कंसिस्टेंटली देखा कि लाइफ में एग्जैक्टली यही फॉर्मेट रिपीट होता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव छोटा रहता है तो आपकी स्टोरी बहुत अनइंटरेस्टिंग रहती है, और अगर आपका ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा रहता है तो आपकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहती है। जब मैंने ये फॉर्मेट पढ़ा तो एग्जैक्टली मैंने ये रेप्लिकेट करा। सबसे पहले जब अपना थर्ड नॉवल लिख रहा था तो एज अ लीड मैंने ये ऑब्जेक्टिव बनाया कि ये नॉवल इतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए कि अगर सालों तक लोग पढ़ें तो उनको इस नॉवल का इम्पैक्ट रहे, क्योंकि वो एक ऐसा नया थॉट वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करा है जो पहले इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो द सीकर जब मैंने लिखा तो उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि एक स्पिरिचुअल नॉवल को मैं एक एडवेंचर थ्रिलर की तरह लिखूंगा ताकि सब लोग एक स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को एकदम पेज टर्निंग तरीके से पढ़ सकें। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव था। ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट आया, मल्टीपल टाइम्स मेरा रिजेक्शन हुआ जब तक कि वो नॉवल नहीं लिख पाया। एंड फाइनली एक नॉकआउट क्लाइमैक्स, नॉवल पब्लिश हुआ, एक्चुअली इतना सक्सेसफुल भी नहीं था, बट एक लेवल तक वो एक्चुअली मैटर नहीं करा मेरी लाइफ में। मेरा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए हुआ क्योंकि मेरा गोल इतना बड़ा था उस बुक के लिए। फिर वाइट हेड जूनियर के केस में एग्जैक्टली यही केस था। बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि एवरी किड इन द वर्ल्ड शुड बी अ क्रिएटर, एंड इसलिए स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही वाइट हेड जूनियर को परस्यू करने की। तो क्या माइंडसेट शिफ्ट है जिससे आप मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं? बस एक क्वेश्चन पूछिए, इज़ योर लाइफ अ स्टोरी? क्या आपका एक ऑब्जेक्टिव बहुत बिग एंड सेल्फलेस है? उसके लिए अगर आपके रास्ते में कॉन्फ्लिक्ट आए भी और आप नहीं भी मीट कर पाए, आप एक तरीके से सक्सेसफुल रहेंगे क्योंकि आपका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा इस बड़े ऑब्जेक्टिव को परस्यू करने में। यही क्वेश्चन, इज़ योर लाइफ अ स्टोरी,
एक और फ्रेमवर्क के अंदर अप्लाई होता है, वो है हीरोज जर्नी का फ्रेमवर्क, जोसेफ कैंपबेल का। वो ये कहते हैं कि किसी भी स्टोरी में बहुत सिमिलर ट्रेट्स होते हैं, चाहे वो महात्मा गांधी की स्टोरी हो या बुद्ध की स्टोरी हो, हर के अंदर यही ट्रेट होगा कि एक हीरो होगा जो एक नोन वर्ल्ड में, उसको एक कॉल सुनाई देती है एक अननोन वर्ल्ड के लिए, कहीं से कॉल आती है कि मुझे एक अननोन वर्ल्ड में जाना है, वो डिसीजन लेता है या लेती है कि मुझे वो अननोन वर्ल्ड में जाना है और वो जाते हैं, और उस वर्ल्ड में उनके पास बहुत क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, किसी तरह वो उनको ओवरकम करते हैं। एक मोमेंट आता है एबिस का जब ऐसे लगता है कि नहीं ओवरकम कर पाएंगे, और वो ओवरकम करके फिर वापस आते हैं एक दिन वापस एक नॉन वर्ल्ड के अंदर, लेकिन वो इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होते हैं इस जर्नी के अंदर कि जब वो वापस आते हैं तो उनके प्रेजेंस से हज़ारों लोग अपलिफ्ट और ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो ये एक तरीके से एक हीरोज जर्नी है जो काफ़ी सिमिलर है लॉक फॉर्मेट से। यही स्टोरी टेलिंग फ्रेमवर्क्स यूज़ करके मैंने सारे मेजर डिसीजंस अपने लाइफ के प्लान करे। फॉर एग्जांपल, लास्ट डिसीजन जब मैंने लिया कि डिस्कवरी को छोड़ना है अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करने के लिए, मैं यही क्वेश्चन पूछा था कि क्या मेरा ऑब्जेक्टिव बिग एंड सेल्फलेस है, अगर नहीं है तो मुझे करना चाहिए अपनी खुद की कंपनी, क्या मैं नॉन वर्ल्ड से अननोन वर्ल्ड जाने के लिए थोड़ा डर रहा हूँ एंड मुझे वो फियर को ओवरकम करके जाना पड़ेगा अननोन वर्ल्ड में। एंड जब गया भी अननोन वर्ल्ड में तो एक रियलाइजेशन था इस स्टोरी टेलिंग फ्रेमवर्क से कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट और बहुत क्राइसिस आएगा उस अननोन वर्ल्ड में और उसको ओवरकम करके मुझे वापस आना है। एंड इन फ्रेमवर्क से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा लाइफ के मेजर डिसीजंस लेने के लिए। तो आई होप कि आपके लिए भी इक्वली हेल्पफुल रहे वो। क्या आपके लिए यूज़फुल था, क्या आपके गोल्स बड़े हैं, मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बताइए। और अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल था तो ये वीडियो ऑन हाउ टू फाइंड योर ट्रू पर्पस इन लाइफ विद जस्ट दिस वन विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज, ये भी बहुत यूज़फुल रहेगा। मैं हूँ करण बजाज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।